खास है। बिका जी, आप लोग ये इंकलाब के नारे लगा रहे हैं, तो ये क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हम देख सकते हैं कि बजट में जिस तरीके से अभी शिक्षा पे बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ, उसमें जो बजट है वो शिक्षा पे 3% खर्च करने की बात की गई। हम लोग जो हमारी लगातार मांग रही है कि शिक्षा पे जो खर्चा होना चाहिए बजट का, कम से कम बजट का नहीं, GDP का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। आप GDP की बात छोड़िए, बजट पे 6% हम लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 3% खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कैंपस में हुए करवाए जा रहे हैं। लॉ फैकल्टी में पिछले 20 साल से डॉक टीचर्स पढ़ा रहे थे, उनको हटाकर नए टीचर्स लाए गए हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है पढ़ाने की। JNU में देखते हैं, JNU में जो टीचर्स अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके पास सिर्फ नेट है और वो MPhil और PhD के स्कॉलर्स को पढ़ा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा को प्राइवेटाइज और मतलब शिक्षा को निस्तनाबूत करके उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। सर, अभी जो सरकार ने एक वो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां सबका साथ सबका विकास की एक लहर चल रही है? ये नारा तो खुद ही मतलब सरकार ने इसके अगेंस्ट आकर काम किया है। अभी देखते हैं कि सिविल्स में सीट्स इन लोगों ने आधी कर दी हैं, उसके बाद SSC की सीट्स पिछले दो साल में कोई सीट इन लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं की है, 2 साल से उनका रिजल्ट वेटिंग में है। और हम लोग देखते हैं कि अभी किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में डिरेलमेंट हुआ है, एक तरीके से पूरी तरीके से जॉब में जो कटौती हुई है वो कम से भारी, सबसे अभी तक की भारी कटौती है जॉब्स में। तो मुझे नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास है। जब नौकरी उनसे मांगी जाती है तो बोलते हैं कि पकौड़े बेचने वाला भी रोजगारी का एक साधन है। तो हम लोग नहीं समझते कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है।